नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के विरुद्ध चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान ग्रामीणों की मजबूत इच्छा शक्ति का असर दिखने लगा है। शनिवार को जनपद में 309 गांव में पूरी तरह से कोरोना संक्रमण मुक्त की मुहिम छेड़ी गई है। जब गांव में कोई भी व्यक्ति संक्रमण से पीड़ित नहीं रहेगा, इसके अलावा भी तेजी से कोरोना को हरा कर ग्रामीण स्वस्थ हो रहे हैं। यही कारण है कि अब गांवों व कस्बों में सक्रिय मरीजों की संख्या बहुत कम रह गई है, जबकि 3 सप्ताह पहले से यह संख्या हजारों से अधिक थी। पंचायती चुनाव के ठीक बाद गाँव देहात में बीमार लोगों की संख्या काफी तेजी से घट रही है। ऐसे में शासन के आदेशों पर गांव में हर घर का सर्वे शुरू किया गया है। वहीं मेरठ जिले के सिसोली गांव में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। गांव को पूरी तरह से कोरोना मुक्त करने के लिए और अन्य लहर से बचने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को चिचोली विकास खंड के कई गांव में ग्रामीणों को टीका लगाया गया है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम भावना भारद्वाज है, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूं, सीएचओ हसनपुर। मैम, आज जो आप वैक्सीन लगा रहे हैं, कितने वर्ष से लगा रहे हैं? यहाँ पे 45 प्लस से लग रही है। और कितनी अब तक वैक्सीन लग चुकी है? अब तक हमारी वैक्सीन जो लगती है 26 वैक्सीन लग चुकी हैं। और कितने गांवों को आप जायजा ले चुके हैं इस चीज़ में? मोस्टली जो लग रही है वो पर डे पीएससी के साथ साथ पीएससी की आईडी पे हम गांव को भी साथ में अटैच करते हैं, जिससे जो लोग पीएससी पे नहीं जा सकते, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें गाँव में सुविधा मिल जाए। लेकिन अब तक आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसने वैक्सीन लगवाने से मना करा हो? कुछ लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो उसे शुगर है उसे प्रॉब्लम आ रही है, वो पहले ऐसा? ये गाइडलाइन रखी गई थी कि जो लोग डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं उनको अभी ना लगाई जाए या उनको कंडीशन वाइज लगाई जाए, लेकिन इस टाइम गाइडलाइन चेंज हो चुकी है। अब गाइडलाइन में केवल जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हीं के लिए मना करेगा, या जो बहुत ज़्यादा ही कोई ऐसी डिजीज कंडीशन से ग्रसित हैं जो ज़्यादा ही उनके लिए क्रिटिकल है, उनके लिए मोस्टली सबको लग जाएगी।